वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है कुछ न्यू फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इसकी, ठीक है, ये है वोटर आईडी कार्ड। दोस्तों, इलेक्शन हमारे सर पे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि हम वोट दें, ठीक है। अगर आप वोट देना चाहते हैं तो आपके पास ये वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। और ये वोटर आईडी कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बहुत से लोगों ने अप्लाई कर भी दिया होगा, बहुत से लोग अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो और आपका वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको अपने एक वेबसाइट खोलनी है NVSP नाम की, ठीक है, NVSP.in, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहां पे जाना है वेबसाइट खोल के, ठीक है। तो वहां पे आपको एक फॉर्म 6 करके ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म 6 लिखा होगा, उस पे उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उस फॉर्म को आपने फिल करना है, कुछ आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है वहां पे और आपको फॉर्म फिल करना है। और जो ये कार्ड बनवाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको चाहिए अपना एज प्रूफ, एज डिक्लेरेशन और अपना एड्रेस प्रूफ, ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप वहीं अपलोड कर सकते हो। सब कुछ करने के बाद फॉर्म फिल कर दिया आपने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलती है वहाँ पे, वो आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड हो जाती है। उस रेफरेंस आईडी से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो कहाँ तक पहुँचा। आप उस रेफरेंस आईडी को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे अपनी रेफरेंस आईडी को डालिए और चेक करते रहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा। ऐसे आपको पता भी चलता रहेगा कि आपका जो प्रोसेसिंग है वोटर आईडी कार्ड के लिए वो कहाँ तक पहुँच गई है। और इस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और हर कोई वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहता है और हर कोई चाहता है कि मैं इस इलेक्शन में वोट करूँ। तो अगर आप इस इलेक्शन में वोट करना चाहते हो तो ये कार्ड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको ये तरीका बताया, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप मेरा ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।